नमस्कार, स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो पर मेरे चैनल दस कंठी पर। और आज का वीडियो होगा एक और एडमिशन अलर्ट को लेकर, और ये एडमिशन है एमफिल के लिए। जी हाँ, एमफिल के लिए, आपने सही सुना, मास्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए आए हैं एक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी हम करेंगे बातचीत। और साथ ही साथ 18 सब्जेक्ट हैं, जी हाँ 18 सब्जेक्ट हैं जहाँ आए हैं एमफिल की सीट और एप्लीकेशन फॉर्म, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या लास्ट डेट है, उन और महत्वपूर्ण तिथियों के साथ एंट्रेंस और इंटरव्यू की भी हम बातचीत करेंगे। और कब तक हो सकता है आप लास्ट डेट अप्लाई से पहले करें आवेदन, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत छोटा सा होगा वीडियो, इस बात का रखिएगा ध्यान। चलते हैं सबसे पहले, एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन भी है और स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, यानी कि इसका मतलब है आप इस यूनिवर्सिटी में जिससे एमफिल करेंगे वह पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी है तो पार्ट टाइम और फुल टाइम एमफिल आप यहां से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है इस यूनिवर्सिटी की, जो मैं बता दूँ आपको कि इस यूनिवर्सिटी से जब आप एमफिल करेंगे ना, तो एमफिल आप पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, दोनों की फीस इक्वल है, फीस बराबर है दोनों की, चाहे आप पार्ट टाइम पीएचडी करें या फुल टाइम पीएचडी करें। क्योंकि पार्ट टाइम एमफिल अधिकांश वही लोग करते हैं जो मैरिड होते हैं, गृहस्थ होते हैं या कहीं जॉब में होते हैं या रेगुलर वे नहीं कर सकते, तो ऐसे कैंडिडेट पार्ट टाइम में एमफिल या पीएचडी करते हैं। तो आप यहां से पार्ट टाइम में एमफिल कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी का नाम शायद नहीं बताया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अन्ना सल्लाई सेतपट्टी चेन्नई में स्थित है यह यूनिवर्सिटी, इस बात का ध्यान रखिएगा, यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन सारा प्रोसेस है इसका अप्लाई करने का, ऑफलाइन ही आपको एक फॉर्म का मैं लिंक आपको दे दूंगा, एक वेबसाइट का लिंक है उस पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, पीडीएफ कॉपी में है। यदि लिंक ओपन नहीं होता है, कोई दिक्कत होती है, तो कमेंट में अपना ईमेल आईडी या मुझको दे दीजिएगा, मैं ईमेल से आपको सब चीज़ें सेंड कर दूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी और जो भी क्या नियमावली है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वह सभी चीज़, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन फॉर्म है और ऑफलाइन ही आपको इसकी फीस भी जमा करनी है, यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और एक चीज़, फॉर्म भरने के बाद, डिमांड ड्राफ्ट भरने के बाद सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपको आगे बता दूंगा, और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी मेंशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं ना, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या अदर्स में, तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा यदि आप उसका लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है। 10th 12th और अपने हायर की यानी कि 12th क्लास की और बीए की, एमए की, यदि एमफिल किया है पहले से किया है, यदि या कोई और विषय में मास्टर डिग्री की है, कई होते हैं ना कि बच्चे एक से अधिक विषय में एमफिल करते हैं नेट जेआर पे, वह सभी आपको यहाँ जानकारियाँ भरनी है, ठीक है। और ये सब है इसमें। और एक विशेष चीज़ की, अगर आपको कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में ज़रूर से बताइएगा इसी के अंदर। अब चलते हैं सीटों पर और उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण डेट्स की, तिथियों की। सबसे नीचे शुरू करते हैं, एंशंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एंशंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, फिर है आपका क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रामा एंड थिएटर स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया स्टडीज़, तमिल जो कि तमिल भाषा है वह है, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, कंटिन्यूशन एजुकेशनल इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, फिर आपका है नॉन फॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन, और अलग है आपका एजुकेशन, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट भी अलग है, सीट भी अलग अलग है, इस बात का, एजुकेशन अलग है, नॉन फॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन अलग है, फिर आपका है आपका मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी। तो ये है 18 सब्जेक्ट, किस विषय में कितनी सीट है उसके लिए आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, हैं अच्छी खासी सीटें हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फीस, हाँ, 13,700 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, एनुअल फीस है, ये एक साल की फीस है एमफिल की, 13,700 रुपये, चाहे पार्ट टाइम में करें या फुल टाइम में करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ कि इसमें लाइब्रेरी की जो फीस है वह रिफंडेबल होगी 1,000 रुपये की, यानी कि फीस आपकी हो गई 12,700 रुपये, जब अपना एमफिल पूरा करेंगे तब आपको ये फीस मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एड्रेस दूंगा आपको, उस एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा एक निश्चित तारीख तक, और क्राइटेरिया जो भी है एलिजिबिलिटी का ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करके देख लीजिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। अब चलते हैं डेट्स पर, 20 जुलाई 2021
आज है 8 जुलाई, आपके पास है 10 से 12 दिन फॉर्म को अप्लाई करने के। 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। 30 जुलाई को इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा गया है। 20 जुलाई लास्ट डेट है, 30 जुलाई को एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा गया है और 8 अगस्त की 10 तारीख को आपका इंटरव्यू रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो फाइनल आपका रिजल्ट है ना इंटरव्यू के बाद का, 12 से लेकर 15 अगस्त के बीच में वह भी आ जाएगा। यानी कि आप आज फॉर्म भरते हैं, यदि 8 जुलाई को मानकर चलिए आप अगले सवा या डेढ़ महीने में एमफिल के शोधार्थी हो सकते हैं। यदि अप्लाई करते हैं आप इस स्टेट की यूनिवर्सिटी में, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी ज़रूर है, लेकिन फिर से कह दूँ पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही माध्यम से एमफिल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो की सूचना होती है समाप्त। बात करेंगे एक और स्टेट यूनिवर्सिटी में आए हुए पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की। उस वीडियो का वेट कीजिए। इस वीडियो में दी गई सूचना कैसी लगी, नहीं लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, बकवास लगी या घंटा लगी, कुछ नहीं पता मुझे, कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।